तो अभी अभी लगे हुए हैं पेप्सी लेने के लिए लाइन में। प्राइस बताऊं पेप्सी का 5 रुपीज़ है और इसका जो मार्केट प्राइस है वो 12 रुपये। तो ये सेवा की वजह से कम प्राइस में देते हैं और लाइन काफ़ी लंबी है देख सकते हैं, और काफ़ी लोग भीड़ में लगे रहते हैं पेप्सी के लिए, तो लाइन काफ़ी लंबी रहती है इनकी। दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल और ये रहा इधर लंगर हॉल, और लंगर हॉल का भी काम चल रहा है। काफ़ी बड़ा है लंगर हॉल, पता नहीं 5 या 6 मंजिल ऐसे कुछ है, और काफ़ी बड़ा है लंगर हॉल। तो देख आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना लंगर एक दिन में चलता है गुरुद्वारे का। पूरा वर्किंग है देख सकते हैं, पूरे में काम चल रहा है, ऊपर नीचे सभी में लंगर चल रहा है और 24 घंटे चलता है लंगर इसमें। मुझे तो सबसे अच्छे पता क्या लगे, यहाँ की कंपनी। तो ये तरीका कुछ घर पे भी आजमाने वाला हूँ यार, काफ़ी अच्छी लुक निकल के आ रही है यार, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और सूखते भी नहीं है। ऊपर से पानी डालो पूरा नीचे तक जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई खर्चा नहीं है इनका, सिर्फ पेड़ पेड़ लगाने पड़ेंगे और कोई खर्चा नहीं है। तो ये जो बंदे शहीद हुए थे उनकी फ़ोटो हैं, फेस लगाए गए हैं और उनके नाम वगैरह भी दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, ये सब भी देखने के लिए मिल जाएगा। यही नहीं कि आप गुरुद्वारे के लंगर खाना है, कुछ भी खा सकते हो, और सभी तरह की जैसे यार लोग मार्केट होती है ना, उसी तरह का बाज़ार होता है, जैसे बाज़ार होता है उसी तरह की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मैंने यार इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन यार ख्यालों से आगे बढ़े बिल्कुल, यार ऑसम फीलिंग है, ऑसम भाई ऑसम फीलिंग है। एक बार जरूर आके विजिट करो और वो देख सकते हो सामने, तो सामने एक LED चल रही है बहुत बड़ी, और दरबार साहब का दिखाया जा रहा है जो भी स्टार्ट होने वाला है, और वो भी दिखाया जा रहा है दरबार साहब का, LED बहुत बड़ी लगी हुई है। तो यहाँ पर लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं, पंजाबी विरसा ढोल वगैरह और जो भी चलता था पुराने टाइम पे वो सब बताया गया है। तो देख सकते हैं सब कुछ बताया गया है यार, पंजाबी ढोल वगैरह जो भी पंजाबी करते हैं, भंगड़ा, और देख सकते हैं सब कुछ इसमें बताया गया है। पंजाबी होके भी हिंदू ब्लॉग हिंदी में ब्लॉग बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोगों को पता चले कि कैसे गुरुद्वारे हैं, क्या है। पंजाबियों को भी ज़्यादातर पता है लेकिन हिंदुओं को भी पता चलना चाहिए। तो यार देख सकते हैं इतनी साफ सफाई है ना यहाँ पे, नंगे पैर चल रहा हूँ अभी, तो यार साफ सफाई इतनी है, और देख सकते हैं इतने पेड़ पौधे लगाए गए हैं कि मेरा जी करता है कि बस यहीं पे रह जाऊं, जाने का मन नहीं करता। इतना अच्छा लगता है ना यार यहाँ पे आके, शाम को घूमने का अलग ही नज़ारा है। अगर वीडियो अच्छे से शूट करने देना तो यार बहुत अच्छी वीडियो बन जाए, लेकिन शूट नहीं करने देते और काफ़ी यार मुश्किल से वीडियो बनती है छुप छुपा के, और अगर मैं फेस दिखाऊँगा ना तो तुरंत रोक देंगे वीडियो बनाने के लिए। तो यार नज़ारा बहुत ही अच्छा है, यार नज़ारा काफ़ी अच्छा है। ऊपर रुमाल बांधा हुआ है सिर के, और रुमाल बांधने के बिना गुरुद्वारे में एंट्री नहीं मिलती, और सिंपल लोअर और टी शर्ट पहन के चला हूँ, और काफ़ी यार कंफर्टेबल है और इसके बिना मज़ा भी नहीं आता। तो यार ये ईयरफोन है ये मैंने वॉइस के लिए लगाए हुए हैं, ये बस मेरा कि गुरुद्वारे में सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, तो ये ईयरफोन भी नहीं चलने देते, वो तो मैं थोड़ा बाहर आया था इस वजह से मैंने ईयरफोन लगाए हुए थे। तो यार नज़ारा देखते तो यार बिल्कुल अलग है, नेक्स्ट लेवल है भाई नेक्स्ट लेवल। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति, और आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं कि क्या अच्छा देखने के लिए मिलेगा। जो भी अच्छा है यार वही दिखा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा, लंबा ब्लॉग नहीं बना रहा और सिंपल सादा ब्लॉग रख रहे हैं। और मेरे साथ फ्रेंड लोग आए थे ना, वो भी सेवा कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं था सेवा करने के अलावा। और मैंने भी कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, सेवा करो, सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा करना ज़रूरी है। मेरे को थोड़ा सा ब्लॉग बनाना था इसलिए मैं शाम को अकेला ही निकल गया। तो अकेले में यार ब्लॉग बनाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि फ्रेंड लोगों के साथ बात वगैरह करने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन आपको बताना है, किसी को नहीं बताना, सिर्फ आपको बताना है और सबको पता है। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे के देखते हैं। तो चलते चलते लग चुकी है प्याज, अभी पी ले नेमन सूप मुझे बना रहा है भाई, तो लेके आ रहा है, उसके बाद बताता हूँ कैसा टेस्ट है यहाँ के। और चीज़ों का टेस्ट कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ टेस्ट में। वो टेस्ट काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट है, एमपी से तो काफ़ी अच्छा है। तो इधर है म्यूजियम, इसमें पुराने से पुराने फोटो वगैरह जो भी हुआ है गुरुद्वारों में और अपने सिखों के साथ वो देख सकते हैं, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस इसका टिकट का 10 रुपये और अंदर जाने के बाद अभी है नो एंट्री, 6 बजे के बाद हो जाता है बंद। और इसका पता नहीं था कि 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, नहीं तो चलो कल के ब्लॉग में देखेंगे। कल अगर मुझे टाइम मिला, अगर शूट करने दिया तो कल के ब्लॉग में ज़रूर डालूंगा। तो ये आ चुका है मेन मार्केट, तो ये है मेन मार्केट, यहाँ पे पूरा हो जाता है एंड और यहाँ पे गुरुद्वारे का जो भी है एंड हो जाता है और आगे अब पड़ जाती है मेन मार्केट। और ये है मेन गेट, मेन गेट काफ़ी है, एक नहीं है, करीबन 8-10 मेन गेट होंगे, इतना मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं टाइम आया हूँ, क्योंकि जब आया था तब दूसरे गेट से आया था, जब जा रहा हूँ दूसरे गेट से जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो अभी कुछ भी पता नहीं है कौन सा साइड जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो एक लोकेशन के हिसाब से जाना है। तो यहाँ पर भी कुछ दिया है तो ये पता नहीं क्या है, पढ़ने के बाद ही सब कुछ पता चलता है और बिना पढ़े कुछ भी नहीं पता चलता। और ये अच्छी बात है कि पंजाबी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है और पंजाबी कम से कम लोगों को आती है और इंग्लिश ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं। तो ये है मेन मार्केट अमृतसर की। यस, साफ सफाई और ये सब कुछ यार इतना अच्छा लग रहा है ना पंजाब में आके, क्या बताऊँ। बैठने के लिए जगह और यार ऐसा एमपी में पता नहीं क्यों नहीं होता, एमपी में कहीं पे भी इतना अच्छा बनाया ही नहीं गया है कुछ। पंजाब तो भाई पंजाब ही है। ये है शहीद मदन लाल ढींगरा, वो देख सकते हैं, ये शहीद मदन लाल ढींगरा, तो पढ़ सकते हैं कुछ लिखा हुआ है जो भी है स्क्रीनशॉट लेंगे। अब शहीदी इनकी हुई थी 17 अगस्त 1909 और पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं टाइम बताऊं डिजिटल, तो देख सकते हैं सामने टाइम वॉच बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे और टाइम इसमें साफ दिख नहीं रहा, लेकिन वॉच बहुत ज़्यादा लगी हुई है। कहीं पर भी चले जाओ ना भाई, वॉच टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉच की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जगह जगह पे फ़ोन मिल जाएंगे, जगह जगह पे वॉच मिल जाएगी, तो जगह जगह पे वॉच देखने के लिए मिल जाएगी, टाइम कहीं पे भी देख सकते हैं। तो अभी लाइटें वगैरह हो चुकी ऑन, टाइम हो रहा है 7 और यार लाइटों वगैरह में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते अच्छा नाइट में लगता है।